सो गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी बजा है 2 सुबह से, मैं ब्लॉग कर नहीं पाई क्योंकि कैसे करूँ आप लोग इतना जो बातें शाते करते हैं चैट पे, वो भी जो भी हो। तो अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट की, अभी मैं नहा सुहा के देखिए पूरा रेडी हो गई हूँ। अभी खाना पकाना वकाना सब खत्म, अभी मैं सिर्फ चावल बना रही हूँ और खाना खाऊंगी। खाना शायद शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे घर में थोड़ा गेस्ट आए हुए है तो मैं थोड़ा बिजी हूँ। हाँ, वो क्या क्या पकाई मैं वो शायद मैं शेयर कर दूंगी। जो भी है, जितना हो सके मैं आप लोग का साथ में रहूंगी और आप लोग रहिए, स्किप मत कीजिए और खींच खींच के ब्लॉग मत देखिए, पूरा ब्लॉग शांति से पेशेंट रख के देखिए। सो कम विथ मी। तो गाइस देखिए मेरे घर आज कितना मछली आया, ये है पापदा और ये है प्रॉन फिश। हाँ, तो देखिए आज का मेनू में मेरा क्या है, आज सिंपल सा मेनू है। तो इधर मैंने दाल बना ली, इधर बनाई मछली। अच्छा, ये जो मछली है इसको बंगाली में पापदा माछ कहते हैं, ओके। उसके बाद मैंने बना ली करेला, उसके बाद मेरे ये मेरा चुकंदर, हर रोज का मेरा मेनू है क्योंकि मेरे चुकंदर बहुत पसंद है तो मैं चुकंदर हर टाइम लेती हूँ। तो ये राज का मेनू। अब सो गाइस, हम लोग अभी खाना खाने बैठ गए, अभी 2 का ऊपर ही हो गया, लेट हो गया क्योंकि घर में गेस्ट था तो लेट हो गया। तो हम लोग अभी खाना खाने बैठ गए तो फर्स्ट बाइट एज विजन, हाँ, विद चुकंदर आप लोग के लिए खाओ। फिर मैं सुहानी भी बैठी है, सुहानी अभी स्कूल से आ गई है आज। हेलो गाइस, मैं भी आज मम्मी के साथ बैठी हूँ। ऐसे तो बैठती ही है लेकिन स्कूल से आने के बाद ज्यादातर उसके पहले मैं लंच कंप्लीट कर लेती हूँ ना, इसलिए आज स्कूल अच्छा ही रहा। बहुत सारी मैम आई थी और आज फर्स्ट क्लास फिजिक्स का हुआ था जो कि क्लास 8 का फर्स्ट क्लास था और वो भी नए सर थे। तो मैं खाना खा लूँ, मैं खाना खा के फिर आपको के साथ में बैठूंगी, बातें शाते करूंगी, गपशप करूंगी, ठीक है? खाना खा लूँ। तो गाइस देखिए सुहानी ने क्या बना रही है, ये मेयोनीज है, मेयोनीज और ये एज यूजल सॉस का बॉटल है, ये दोनों, हाँ, केचप है, ये दोनों मिला के सुहानी ने इधर बनाई। कितना सुंदर कलर है ना, पीच कलर है। क्या बनाई मम्मा? ये सैंडविच, सैंडविच बनाई, मेयोनीज सैंडविच बनाई। और मैं अभी बहुत रात हुए है तो रात को मतलब वेजिटेबल्स मम्मी पापा बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए तो मैं बस सॉस से ही बना रही हूँ, मैंने कच्चा वेजिटेबल्स नहीं खाना चाहिए। कल वो सेम सैंडविच बनाया, आलू अंदर मतलब आलू है, बहुत टेस्टी था, आपको मैं रेसिपी दिखा दूंगी, वो मैंने खुद बनाया था, कल आ जाएगा। कल मैं मतलब करूंगी तो बाद में वीडियो में आ जाएगा, पर कल मैं वीडियो कर लूंगी तो आपको देख सकते हैं वो कैसे बनाया है। बहुत सिंपल है, हाँ, जो ऑनलाइन में मिलते हैं वो मतलब थोड़ा सा टफ है, उसको फ्राई करो उसको फ्राई करो, मेरा वाला कुछ भी आग का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा है बस, ब्रेड को बस सेक लो थोड़ा सा, वही है और कुछ भी आपका जरूरत नहीं है। तो बहुत सिंपल है, किड्स के लिए तो बहुत ही सिंपल है। देखो देखो सैंडविच, देखो टेस्टी, यम्मी यम्मी, बहुत यम्मी, बाप रे बाप, यम्मी सैंडविच। तो गाइस देखिए मैंने आज क्या बनाई, गरम गरम पूरी साथ में दम आलू, टेस्टी टेस्टी। तो गाइज आज किचन में मैं अपना ब्लॉग खत्म कर रही हूँ विद सुहानी, फिर मिलते हैं नया ब्लॉग लेके, तब तक के लिए ओ उसके बाद देखिए मैं क्या पहनी हूँ, मैं नाइटी पहनी हूँ, नाइटी क्योंकि मैंने पूजा कर रहा था इस तरफ, मतलब से मैं पूजा कर रहा था, लड्डू गोपाल को खिला रहा था, कांजू खिला रहा था, कांजू, जो भी हो। तो आज का ब्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ, फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।